कांकेर से आ रही बड़ी खबर, जहां जल जीवन मिशन की टंकी में डूबने से बच्चे की हुई मौत। ग्रामीणों ने पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किए। कांकेर जिले के कन्हार गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बनाने खोदे गए गड्ढे में पानी में डूबने से 5 साल के बालक की मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों ने टंकी निर्माण कराने वाले ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों ने पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है, ऐसी घटना अनिंदनीय है, ठेकेदार और सरपंच की लापरवाही से यह घटना घटी। हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन पर हम होंगे अग्रसर। पुलिस मामले में मर्म कायम कर जांच कर रही है। भानुप्रतापपुर ब्लॉक मुख्यालय से सटे गांव पंचायत कन्हार गांव में PHE विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, परिमल नेताम की खास पेशकश। इसमें ठेकेदार PHE विभाग की पूरी गलती है। 4-5 महीने पूर्व गड्ढा खोद के छोड़ दिए हैं, जो गर्मी टाइम से खोद दिए हैं, पानी भर गए, बच्चा गिर गया खेलते खेलते। इसमें शासन प्रशासन की पूरी तरह लापरवाही है, साथ में हमारे ग्राम पंचायत की सरपंच की भी लापरवाही। FIR दर्ज हुआ है, अगर FIR दर्ज नहीं होता है PHE विभाग की तरफ से तो हम PHE विभाग का भी घेराव करेंगे। बताइए चंद्रशेखर यदू जी, जो कांड हुआ है छोटे से मासूम बच्चे के साथ, उनके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो क्या है, पूरे गांव का मामला है। गांव में PHE विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत में पानी टंकी के लिए गड्ढा खुदाई किया गया था ठेकेदार के द्वारा से। इसमें ग्राम पंचायत सरपंच, ठेकेदार, PHE विभाग सभी के दोषी हैं। इनके ऊपर FIR के लिए हमने आवेदन दे के आया है, और इस आवेदन में अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो फिर इसके तत्काल बाद में PHE विभाग का भी घेराव करके संबंधित अधिकारियों, ठेकेदार, सरपंच के खिलाफ कार्रवाई।